हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया उत्तर प्रदेश का जो बीए सेकंड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है उसको रिजल्ट को वेबसाइट पर जाकर उसको देखने का क्या प्रोसीजर है तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको देखना कैसे है और उसको डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कैसे डाउनलोड करना देखना है। सबसे पहले आप अपना जो भी ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र मेरा है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये देखिए ओपन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ राइट करना है www.jncu.in। आपको क्या राइट करना है jncu.in आपको राइट करके सर्च करना है। इसके बाद सर्च करेंगे तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दोस्तों सब कुछ मिलेगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ जूम करके मैं बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ एक आइकन दिखाई दे रहा होगा रिजल्ट का। इस रिजल्ट वाले आइकन पर आपको टैप करना है। आप इस पर जब टैप करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो इस प्रकार होगा। हमको मेन एग्जामिनेशन देखना है तो मेन एग्जामिनेशन में हमको देखना है कि सेशन 2020-21 यानी कि इस पर टैप करना है। नेक्स्ट इस पर आप टैप कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा और उसके बाद आपको क्या करना है आप यहाँ देख सकते हैं। आपका रिजल्ट यानी कि 27/9/2021 को ही रिजल्ट बीए सेकंड ईयर का डिक्लेयर कर दिया गया है और आज रात में ही इसको अपलोड किया गया है। तो आपको इसको क्या करना है राइट में जाना है। राइट में आपको जाके यहाँ आपका इंटर रोल नंबर यानी कि यहाँ अपना रोल नंबर फिल करना है जो एडमिट कार्ड पर जो करेक्ट है वो, तो मैं रहने दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इंटर कैप्चा कोड। तो आपको ये कैप्चा कोड जैसे दिया वैसे यहाँ इंटर कैप्चा कोड पे क्लिक करके आपको फिल करना है यहाँ इंटर कैप्चा कोड। उसके बाद आपको दिखाई देगा फ्रेंड आपको यहाँ देखिए सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा वो शो करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है वहाँ आपको जैसे यहाँ आपको बैक दिखाई दे रहा है बैक उसके बगल में रिजल्ट आप जो देखेंगे तो उसमें आपको प्रिंट भी एक ऑप्शन छोटे से बॉक्स में मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन। जब प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पीडीएफ के रूप में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ऊपर जाएंगे आपको यहाँ एक सर्किल यानी कि गोले में वृत्त में आपको ऐसे वृत्त में आपको इसे आपको दिखाई देगा लिखा हुआ दिखाई देगा पीडीएफ। आपको इस पर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वो हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके स्टोरेज यानी कि फ़ोन स्टोरेज में पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे बहुत सारे जो भी नोटिफिकेशन होते हैं यूनिवर्सिटी के जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।